हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ लेकर आई हूँ। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी 2021 को पुणे की लॉटरी आई थी और अब उसका रिजल्ट भी आ चुका है। काफ़ी लोगों का उसमें नाम आया है और जिनका नाम नहीं आया है उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए गुड न्यूज़ है। म्हाड़ा फिर से एक बार पुणे की लॉटरी लेकर आ रहा है और ये जो लॉटरी है वो सतारा, सोलापुर, पुणे, सांगली, पिंपरी इन सब जगहों के लिए है और इसमें टोटल 2000 फ्लैट्स होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि म्हाड़ा फिर से अपने पुणे की लॉटरी लेकर आ रहा है 2021 में। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था पिछली बार, वो अब भर दीजिए। जिनका नाम नहीं आया था, क्या पता उनका नाम इस बार आ जाए फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर फिर से म्हाड़ा एक बार पुणे की लॉटरी लेकर आने वाला है। और फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्म भर देना चाहिए। जब भी फॉर्म आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, आपको अपडेट कर दूंगी और जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो सारा भी मैं आपको बताऊंगी। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि इनमें जो लोअर कैटेगरी ग्रुप होता है उनका प्राइस रेंज तो काफ़ी कम होता है, उनके फ्लैट्स काफ़ी कम प्राइस रेंज में आपको मिल जाते हैं। आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने वाकड़ एरिया का फ्लैट का साइट टूर आपसे शेयर किया हुआ है, ऑनिक्स प्रोजेक्ट का, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वो फ्लैट कहने के लिए तो 1 BHK है, बट मेरे हिसाब से वो काफ़ी स्पेशियस है। वो ऑलमोस्ट 2 BHK जैसा फ्लैट है, आप देख सकते हैं। और जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की वहाँ की बात करें तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, आप मेरे लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आ जाते हैं अब 2021 के पुणे के लॉटरी पे। तो फ्रेंड्स, ये जो लॉटरी है ये लॉन्च होने वाली है 13 अप्रैल के आसपास। गुड़ी पाड़वा के टाइम पे ये लॉटरी लॉन्च होगी ऐसा सुनने में आ रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही इसका एग्जैक्ट डेट आता है मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देते रहूंगी। और आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही अपडेट्स लाकर देती रहूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।